हेलो, गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून गाइस। और अभी दोपहर का बज रहा है 2 या 2:30 समथिंग ऐसे ही हो रहा होगा। और मैंने एनी को जस्ट अभी सुला दिया है और आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि आज मंडे हो गया है, वेनेसडे को होली है। तो इस चक्कर में सारी होली की प्रिपरेशन हो रही है, होली की तैयारियाँ चल रही हैं कि क्या बनाना। अभी मैं आटा का डो लगा के रखाई हूँ, यानी कि नमक पारे जो मैदा की बनती है और छार यानी कि सेब बोलते हैं जिसको, वो बेसन के बनते हैं। बस दोनों का आटा अच्छे से लगा के रखाई हूँ। मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी मैंने उसमें क्या क्या ऐड किया है, कैसे बनाया है। और बस अभी हम लोगों ने जस्ट अभी बेसन की पूड़ियाँ बस खाई हुई हैं शेजवान चटनी के साथ, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। आप लोग प्लीज़ बना के ज़रूर देखिएगा। और मैंने बेसन की पूड़ियों का ब्लॉग अलग से बना दिया है, आप लोग उस पर जाके देख लीजिएगा। और प्लीज़, मेरा घर आज बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, उस चीज़ को इग्नोर करना, क्योंकि घर में जब काम होते हैं तो घर ऐसे ही मैसी रहता है, किचन भी मैसी, चारों तरफ हॉच पॉच मची है। और इन्हीं को जस्ट अभी सुलाया है इसलिए मैं धीमे बोल रही हूँ क्योंकि जाग ना जाए। इन्हीं को सुलाया है तभी सारे काम मैं निपटा पाऊँगी, अच्छे से फ्री हो पाऊँगी। इन्हीं सो रही है क्योंकि आज मुझे रूम में ना सारी तैयारियाँ, मतलब तैयारियाँ क्या, बेडशीट भी चेंज करी थी कल मैंने, सो बेडशीट भी आ गई, तो इस चक्कर में कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये काम जरूरी, होली वाला, होली आ रही है। और हाँ, कल जो मैं शॉपिंग करके आई हूँ मैं आप लोग को दिखाती हूँ शॉपिंग। ये देखो इस पैकेट में हमारी शॉपिंग है जो मैंने शॉपिंग करी है। गाइस सॉरी, मैं ये शॉपिंग आप लोगों से शेयर अभी नहीं करूँगी, आप लोग को खुद पे खुद पता चल जाएगा आगे जब मैं ये सब चीज़ें यूज़ करूँगी, पहनूँगी। बट अभी नहीं, ये सरप्राइज शॉपिंग है, आप लोग को सरप्राइज शॉपिंग वाला ब्लॉग मिल गया होगा। ये सरप्राइज शॉपिंग मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखाती, प्लीज़ गाइस सॉरी, माइंड मत कीजिएगा। चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से। मैं बैग जा रही हूँ। अच्छा लगता है ना कभी कभी मस्ती कर रही हूँ मैं। और यहाँ की थोड़ी बहुत सफाई वफाई कर दी, होली आ रही है, सब लोग आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये बाल्टी रखी है क्योंकि अभी कपड़े फैला के आए हुए ना, बस अभी जाती हूँ जल्दी फटाफट, मम्मी तैयारी करने में लगी हुई है, एक मिनट में नीचे जाती हूँ। बहुत ज्यादा धूप होने लगी, आपको धूप देख रहे हैं। ताकि क्या हुआ मम्मी, चाकू ये रखी तो है यहाँ पे, ये चाकू से नहीं कटेगा। हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था ना ये प्रिपरेशन में, मम्मी चाकू टूटने में लगी, प्लेन वाली चाकू नहीं मिल रही है इनको। अभी मैं दिखाती हूँ क्या क्या मैंने करा है। कि ये डो लगा के रख दिया है। हाँ मम्मी, ये नमक पारे बनाने जा रही थी वही बेल के रखा है, ये पॉलीथिन में रख दी जिससे कि आटा एकदम सॉफ्ट ये बना रहता है। आप किसी कपड़े वपड़े में किसी भी चीज़ में रख सकते हैं। ये बेसन है, इसका नमक पारा बनेगा, सॉरी इसका झार बनेगा। और ये मैदा है, आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है। और मैं ये बताती हूँ इसमें क्या क्या ऐड किया हुआ है। इसमें मैदा में अजवाइन नमक ही डाली हुई है और गर्म पानी से इसको अच्छे से आटे को गूंथा है। और इसमें ऑयल इसमें डालना अच्छा होता है, ऑयल अच्छे से आप मिलाइएगा तब भी आपके नमक पारे अच्छे बनेंगे। और बेसन में भी यही किया हुआ है, बेसन में भी हींग नमक मिर्च और ये सब ऑयल वगैरह डाल के अच्छे से भून लिया। बेसन मारने में तो आफत आ जाती है, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है बेसन मारने में। काट रही है इनको, इसको बेल लिया है रोटी की तरीके पूरा, और पतला करके बेल लिया। मम्मी देखो बता रही है कैसे बेल लिया, और इसको ऐसे एक एक करके काट रही है। और आटा आपको खोल के नहीं रखना जिससे सूख जाए, आटा हमेशा बंद करके ही रखना है। सो आप पॉलीथिन में रखने से सही रहता है। हाँ ये देखो बंद है, मम्मी बता रही है पॉलीथिन में रखने से बिल्कुल सही रहता है आप, या फिर कोई गीला कपड़ा वगैरह करके कुछ भी रख सकते हैं। वही मम्मी लगी हुई है,
अब एक लोग काटते जाएंगे एक लोग सेकते जाएंगे, ऐसे ही होगा क्योंकि दो ही लोग हैं। एनी को सुला दिया है, एनी सो चुकी है। अभी देखो मैं सही बस गैस, आप लोग ये ध्यान रखिएगा इसमें ऑयल अच्छे से, मतलब मौन बोलते हैं हम लोग, अच्छे से डालना है। अगर वो नहीं डालोगे ना तो फिर ये चिपक जाएंगे और अच्छी भी नहीं बनेगी। अजवाइन, हाँ मम्मी बता रही है अजवाइन वगैरह ये सब डालनी है। अजवाइन, नमक, आप लोग अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, जैसा भी आप लोग खाते हो नमक। बना तो और भी चीज लेती, बस यही है ना, एनी की वजह से जितना हो पा रहा उतना ही कर रही हूँ। आप लोग जरूर ये रेसिपी बना के देखिएगा, शेयर करिए मुझसे कैसी बनी है, मुझे बताइएगा। अगर कोई कुछ गलत लगा हो तो प्लीज मुझे बताइएगा क्या प्रॉब्लम है। अब इनको ऐसे ही मम्मी कट कर लेंगी, और अभी ऐसे कट कर रही हैं, और अगर अलग तरीके से कट करेंगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे कैसे कट करेंगे। हाँ मम्मी बता रही है तिरछी कट करना चाहिए। देखो मम्मी ऐसी सारे आटे लगा के रख लेंगी।
जैसे काजू कतरी होती है उस डिजाइन के मैं बना रही हूँ, और मम्मी ये बना रही है ऐसे। दोनों लोगों से अभी ये बना रहे नमक पारे, उसके बाद हम बनाएंगे मटरी के टाइप से। आप लोग देखते रहना। जा रही हैनी को देखने, हैनी को रिटायर हुआ है ना ऊपर, तो इसलिए बीच बीच में राउंड लगाती रहती हूँ कहीं वो झाँक तो नहीं गई है, क्योंकि अब बड़ा डर रही था। नहीं सो रही है। मेरे देखते ही वो हल्का सा हिलने ढुलने लगी, मैंने कहा जग गई। आज मुझे भूख फिर लगाई, अब भी जस्ट मैंने खाना खाया था बेसन की पूड़ियाँ। एक्चुअली ऐसा है, सुबह से ऑयली ऑयली हो रहा है। सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में प्याज आलू की पकौड़ियाँ बनी थी, सो बस वही खाई थी। क्योंकि ऐसा हुआ ना, आज पापा सुबह में बस ब्रेकफास्ट करके ही गाँव निकल गए, कुछ काम था, और मेरे हब्बी तो चले गए थे अपनी जॉब पे, तो वो तो आएंगे शाम तक, तो बच्ची मैं और मम्मी। तो सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर ये सोचा थोड़ा बहुत ये सब काम था निपटा लूँ होली वाला, वो फिर बीच में भूख लगाई, सोचा चली से फटाफट बेसन की पूड़ी निकाल लेती हूँ, कढ़ाई चढ़ी हुई है वही बनाई, फिर उसके बाद का फिर से भूख लगाई। पता नहीं आज क्या हो रहा है, बस है नहीं जागे ना, काम निपट जाए, सो रही है। गाइस ये देखो मम्मी सेक रही ही है, ये देखो सेक के रख ली, कितनी अच्छी सिकी हुई है, आप लोग देखो कितनी बढ़िया मम्मी मस्त मस्त सेक रही है, बहुत ही क्रिस्पी बनी हुई है। ये देखो ये सारी मिली हुई है, बस ये होता है ना इसमें अच्छे से मौन पड़ा होता है ना, तो तेल में हो जाते ही देखो सब एक में सब अलग हो जाता है जाके। अब मैं बस ऐनी को ऊपर देख रही थी, अब थोड़ी देर में बनाएंगे, हाँ सेव बनाएंगे बेसन वाले, तब वो आप लोग को दिखाएंगे कैसे बनते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा ये कैसे बनी है, और अगर आप लोग कुछ अलग तरीके से बनाते हैं तो भी मुझसे शेयर कीजिएगा, और मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। ये देखो बस मैं ये कुछ यहाँ गूंथने की तैयारी कर रही हूँ, मैदा थोड़ा सा बस गूंथने जा रही हूँ। कहते हैं अच्छे दिन में समय गूंथ के रख लेना चाहिए, बस आज मंडे है सो इस वजह से मैं समय गूंथने जा रही हूँ। बस पूजा के लिए 5-11 ऐसी कुछ कुछियाँ बनाऊंगी, आप लोग देखना। मैं बस चलिए ले पूजा की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और हम दोनों अकेले ही हैं, मैं मम्मी सिर्फ अकेले ही काम है, आईनी को भी बीच बीच में देखना पड़ता है। गैस सामान पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, इग्नोर कर देना, मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ, कई लोगों के कमेंट्स आ जाएंगे कि कितना मैसी कर रखा है घर अपना। सो घरों में ऐसे होता है भैया कोई होटल वोटल नहीं है जो एकदम से साफ सुथरा बना रहे, थोड़ा बहुत घर में ऐसे ही चलता है। मैं बस जल्दी जल्दी डो तैयार कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना, ज़्यादा गीला नहीं करना है डो, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देख रहे हैं आप, मेरा डो तैयार होने जा रहा है। बस मम्मी वहाँ पे किचन में अपना सेक नमक पारे सेक रहे हैं, और मैं यहाँ ये देखो डो मेरा तैयार हो गया है, बस मैं इसको 5-10 मिनट के लिए रख दूँगी कि जब अच्छे से चिकना हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, और मैं इसके बाद ये मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया हुआ है जिसमें मैंने जिस प्लेट में डो लगाया था उसी थाली में लिया हुआ है, और थोड़ा सा पिसा हुआ करी डाला हुआ है, ये बना के रख लिया, और ये पूड़ियाँ बेल के रख लिया, अब इनकी जल्दी जल्दी गुजियाँ भरूंगी मैं। आप लोग देखो मैं बस छोटी छोटी मैंने पूड़ियाँ ऐसे बेल के रख ली थी, बस उसी को इसमें थोड़ा सा जो मैंने गुड़ और करी का मिक्सर रखा हुआ था बस वही इसमें मिला के हाथों से ही मैं गूंथ रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए कितनी अच्छी गुजिया बनी हुई है, छोटी सी प्यारी सी, पूजा के लिए गुड़ की गुजिया बनाई जाती है हमारे यहाँ। सो समय अच्छा होने के कारण आज मैं वहाँ अपना
सेकने में लगी हुई है और मैं यहाँ कुछ यहाँ फाइनिश हो रही है, ऐसे ही जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और भैया 11 चीज़ें पूरी बनानी हैं, 7 गुजिया, 4 पूड़ियाँ, 11 चीज़ हो गई हैं। पूरी अगले 11 चीज़ बना के रखती हैं। मैं जल्दी जल्दी बस इसको रेडी कर रही हूँ। गुड़ के गुजिया काफ़ी अच्छी भी लगती है, आप लोग बना के देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ऐसे शेयर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को गुड़ के गुजिया कैसी लगती है। देखिए मैं जल्दी जल्दी इसको रेडी कर रही हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं इसलिए मैं बस हर काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ। मेरे को बैंस गुजिया बन के रेडी हो गई, कितनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी गुजियाँ कितनी अच्छी बिकी हुई हैं। और ये पूड़ियाँ हैं, मम्मी कह रही हैं 7-5 कर लो गुजियाँ, ये देखो 7 गुजियाँ हो गई, 4 पूड़ियाँ, 11, ये देखो कितनी क्रिस्पी अच्छी सी नमक पारे बने हुए हैं। मम्मी इनको तलने जा रही हैं, इनको तल के निकाल लेंगे, अभी तेल थोड़ा सा गर्म नहीं हुआ था। ये जार की तैयारी हो रही है, ये मशीन से बनेंगे अभी। एक्चुअली ऐसा हुआ ना, मोटे वाले थोड़े बन गए हैं, अभी धूप की वजह सही नहीं दिख रहे होंगे। कढ़ाई चढ़ी हुई है फटाफट, ये देखो मम्मी ने की अपनी मशीन फिट। ये देखो ये मम्मी ने घुमाया अपना औजार। बहुत ज्यादा थकान हो गई है, खाना इतना ज्यादा लेट हो रहा है, शायद 11 बजने जा रहा होगा, क्योंकि यानी रोए जा रही थी, अभी लेट आए तो ना
वही 10 बजे तक तो अब लेट ही खाना खिचड़ी बस चढ़ा दिया और मठा में बस ऐसी छौंका लगा दिया, बस वही सिंपल सा आज खाएंगे। बहुत ज्यादा थकान हो रही है गाइस। आप लोग प्लीज आज मेरा ब्लॉग पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और जरूर बताना कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अब प्लीज मैं फिर से लास्ट बार आप लोगों से बोल रही हूँ कि जो मेरा घर मैसी हो रखा था, किचन में बहुत ज्यादा मैसी चारों तरफ सामान फैला हुआ था, उसको प्लीज ध्यान मत दीजिएगा। अब होली का टाइम है, फेस्टिवल है, तो ये सब तो होली पे लगा ही रहे। और गैस ये सब चीजों के अलावा और चीजें ध्यान देना। सिंपल सी खिचड़ी बनकर रेडी हो गई है और मैंने आया था छौंक दिया और ये साजी के दाल वाले पापड़ है। बस अब हम लोग खाना खाने आए, खाना खा के बस सो जाएंगे। गुड नाइट गाइस, टेक केयर।